अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक्सरसाइज 10.6 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको समझेंगे कि किस तरह से हमें करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्या करना है, ऐड करना है फ्रैक्शंस को। तो सबसे पहले हम ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना ये सीख लेते हैं कि ये किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से ये करने में समझ में भी आएगा और आसानी से कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को। देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, हमें क्या करना है, ऐड करना है इन फ्रैक्शंस को। ये जो 4/8 है, 3/8 है, ये दोनों कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। और ये भी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि लाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, और आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ जिससे कि आपको ये करने में, ये भी समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं 1/8, 3/8, 5/8, 9/8, 6/8, 12/8। सभी का जो डिनोमिनेटर है, एक नंबर होता है हमारा न्यूमिरेटर और उसके नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमिरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। तो सभी में नीचे वाले नंबर जो डिनोमिनेटर हैं और क्या है, सभी सेम है, 8/8 लिखे हुए हैं, सारे एक जैसे नंबर हैं। तो लाइक फ्रैक्शन जो है उसमें सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं, यानी कि जब भी हमें लाइक फ्रैक्शन की पहचान करनी होगी तो उसका नीचे वाला हमें नंबर्स देखना है कि वो फ्रैक्शन फ्रैक्शन में सेम है या अलग है। अगर सेम है तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। देखिए, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है हमारे उसको एक बार लिख देंगे नीचे, जहाँ डिनोमिनेटर की जगह है वहाँ पर। ठीक है, बहुत आसान तरीका, लाइन खींचेंगे और डिनोमिनेटर जो सेम है उसको लिख देंगे। यहाँ 8 दिया है तो हमने 8 लिख दिया। इसी तरह से उसके बाद जो न्यूमिरेटर्स हैं दोनों, उनको यहाँ पर लिख देंगे प्लस करके, 4+3। बहुत आसान है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद करना है 4 और 3 जो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ये तो हमारा न्यूमिरेटर हो गया और डिनोमिनेटर कितना उसके नीचे, 8। ये हमने बहुत आसानी से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड ऑफ। उसके बाद है सेकंड वाला एग्जांपल, फिर से समझ लीजिए। दो दो एग्जांपल लिया मैंने इसीलिए, सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको ऐसे लिख देना है, 7 है तो 7 लिख दिया हमने। उसके बाद जो न्यूमिरेटर्स हैं हमारे ऊपर वाले नंबर, उनको ऐड कर देना है, 4+9 कितना होगा, 4+9 13/7, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 7 है, 4+9 13 और 7 की जगह पर 7। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, सेम वही तरीका होगा, डिनोमिनेटर सेम है दोनों के तो 19 लिख दीजिए। फिर जो हमारे ऊपर न्यूमिरेटर्स हैं, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दीजिए, 8-4, क्योंकि बीच में अब माइनस का साइन है तो हमें यहाँ माइनस करना है। और एडिशन में क्या था, हमें ऐड कर रहे थे, तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब 8-4 इसका मतलब 4/19। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है तो हमें उसको एक बार लिख देना है, उसके बाद जो न्यूमिरेटर्स हैं उसको माइनस कर देना है, 9 फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को, -5 इक्वल 9 में से 5 जाएंगे तो 4, सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 बच जाएगा, 11। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आसानी के साथ सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा, जैसा हमने एडिशन समझा था इसी तरह से सब्ट्रैक्शन है। चलिए, अब हम एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं, उसमें भी ऐसे ही हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 10.6, उसमें हमें ऐड करना है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 10.6, एक्सरसाइज 10.6 क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो सेम वही तरीका, यहाँ पर ए पार्ट है 5/12 + 3/12, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें डिनोमिनेटर का तो वही लिख देना है 12, और इनके जो नोमिनेटर्स हैं उनको ऐड कर देना है 5+3, फर्स्ट नोमिनेटर 5 है और सेकंड 3 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, और अपॉन में कितना, 12 चल रहा है इसके नीचे,
ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया 8/12। ओके, बी पार्ट देखिए अच्छे से, वो समझ में आता रहेगा आपके। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है तो हमें डिनोमिनेटर लिख देना 9, उसके बाद नोमिनेटर्स जो है उनको ऐड कर देना है, फर्स्ट वाले में सेकंड को ऐड कर देना है। 4+1 यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएंगे 5, और डिनोमिनेटर कितना है इसके नीचे 9, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बहुत आसानी से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर हमें जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 5/11, 4/11, तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शंस का जो उसमें डिनोमिनेटर है वो देखिए सेम है, तो डिनोमिनेटर लिख दिए पहले। उसके बाद जो ऊपर नोमिनेटर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए 5+4, तो 5 और 4 कितना हो जाएंगे 9/11, बहुत आसानी से इसको ऐड कर रहे हैं हम। उसके बाद डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में भी हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे और उसके नीचे हमें 10 लिख देना है, डिनोमिनेटर सेम है ना 10, तो 10 लिख देंगे। उसके बाद जो नोमिनेटर्स हैं हमारे दोनों उनको ऐड कर देंगे, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले को ऐड कर देंगे 4+3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/10। ये हमने डिनोमिनेटर्स और नोमिनेटर्स को यानी कि फ्रैक्शंस को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, डी के बाद आएगा ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर 2/15, 9/15 सेम डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे और डिनोमिनेटर को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो हमारे नोमिनेटर्स हैं उनको ऐड कर देंगे 2, और सेकंड नोमिनेटर क्या हमारा 9, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 और 9 कितना हो जाएंगे 11, और डिनोमिनेटर हमारा 15, तो ये हमने फर्स्ट फ्रैक्शन में सेकंड वाला फ्रैक्शन हमने ऐड कर दिया। इसी तरह से इस पार्ट को करेंगे अब। ई के बाद एफ पार्ट है 3/8, 2/8, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर ऐसे लिख देना है लाइन खींचकर 8, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। अब 8 लिख दिया हमने, नोमिनेटर्स को क्या करना है बताइए जी, ऐड कर देना है, तो 3+2, उसके बाद लिख देंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 8 जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एफ के बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में ना आए तो इसको दोबारा देखें, ठीक है। जी पार्ट है हमारे पास, जी पार्ट में क्वेश्चन नंबर जो हमारे फ्रैक्शंस हैं 1/7, 3/7, इनको हमें क्या करना है ऐड करना है, तो जब ऐड करते हैं तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे और जो डिनोमिनेटर हैं सेम है तो उसको एक बार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नोमिनेटर्स हैं हमारे उनको ऐड कर देंगे 1, सेकंड नोमिनेटर हमारा 3, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 3 4, और डिनोमिनेटर हमारा 7। ये हमारा जी पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए एच। एच पार्ट में भी डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा ये होगा लाइन खींचना, सेकंड स्टेप में जो डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिख देना उसके नीचे डिनोमिनेटर की जगह पर। थर्ड स्टेप होगा हमारा जो नोमिनेटर्स हैं उनको ऐड कर देना, फर्स्ट वाले में सेकंड को ऐड कर देना, फर्स्ट वाला 7 है और सेकंड वाला 4 है, इन दोनों को ऐड कर देना। उसके बाद फोर्थ स्टेप में इनको ऐड कर देना 7 और 4 11, और उसके नीचे डिनोमिनेटर कितना है 13, ये हमने इसको ऐड कर दिया। ये इस तरह से एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है, इसलिए आप जो है इसको जो है फेयर कॉपी में करेंगे, और अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा इसको वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको अच्छे से समझ में आएगा। अस्सलामुअलैकुम।